इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नानचाकू ट्रेनिंग कोर्स लेसन नंबर 29, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि हॉरिजॉन्टल फिगर एट और रिवर्स एट के साथ आपको रिस्टोर को कैसे करना है। तो फिर सीखने के लिए वीडियो को देखते रहिए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हॉरिजॉन्टल रिवर्स फिगरेट और फिगर एट के साथ, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल फिगर एट और रिवर्स फिगर एट के साथ आपको रिस्टोर कैसे करना है। तो इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल फिगर एट आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रिवर्स फिगर एट आना चाहिए और उसके साथ आपको रिस्टोर आना चाहिए। अगर अभी तक आपको ये नहीं आते देन आपको पहले ये सीख लेना है। आप मेरे वीडियो से सीख सकते हो, मैं उन सारे वीडियोज़ का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को पहले सीख लीजिएगा। तो अब देखते हैं कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है या फिर कैसे आपको सीखना है। तो आपको पहले नॉर्मल जो फिगर एट हॉरिजॉन्टल फिगर एट है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको करना कैसे, देखिए पहले फिगर एट से हम पकड़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको फिगर एट से सिखाऊंगा, रिवर्स फिगर से सिखाऊंगा, देन दोनों को ऐड करके कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, तो बने रहिए सीखने के लिए। तो देखिए पहले हम फिगर एट को लेंगे। फिगर एट में क्या होता है कि हम फ्रंट ग्रिप पे पकड़ते हैं और जिस हाथ से हम पकड़ते हैं उस साइड से दूसरे साइड की तरफ हिट होता है ना, इस तरह से सामने से उस तरफ हिट होता है, मतलब दूसरे साइड पर हिट जाता है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे होगा, जब आप फ्रंट ग्रिप पर पकड़ रहे हो देन फिगर एट कर रहे हो, फ्रंट ग्रिप पर फिगर एट कर रहे हो, उस दौरान जब ये क्या होता है, इस तरह से फिगर एट होता है। तो इस दौरान जब आपका नानचाकू ये नीचे घूमकर ऊपर उठेगा, अब देखिए ऊपर ध्यान से देखिए, ये जब जहाँ से मेरा हाथ है इससे अंदर मेरा बॉडी का इनसाइड है और यहाँ से बाहर बॉडी का आउटसाइड है। तो जब भी घूमकर आ रहा है और देन बॉडी के बाहर जाने वाला है, ठीक है, घूमकर अंदर आ रहा है देन बॉडी के बाहर जाने वाला है, उस टाइम पर हमको एफ रोल करना है। ओके, एफ रोल मतलब एफ फ्रंट ग्रिप से जो रिस्टोर होगा। सो देखिए नीचे ऊपर नीचे, ये क्लियर, फिर से ध्यान से देखिए नीचे ऊपर नीचे ये। ओके, मुझे थोड़ा सा जल्दी दिखाना है वरना नानचा को अटक जाएगा तो आपको दिखने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, या फिर आप समझ भी नहीं पाओगे कि एक्चुअली हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए मैं स्लो मोशन में दिखा देता हूँ, देखिए ओके। तो कैसे हुआ, देखा आपने कि मेरा ग्रिप भी चेंज हो गया, बैक ग्रिप पे आ जाएगा। ये आपको पता है कि जब आप मतलब रिस्टोर कर लोगे देन फ्रंट ग्रिप से बैक ग्रिप में आ जाता है। उसके बाद आपको बैक ग्रिप से ही आपको इस तरह से आपको मतलब बैक ग्रिप से भी आपको फिगर एट स्पिन आना चाहिए दोनों हाथों से, ठीक है। मैं सिर्फ एक हाथ से दिखाऊंगा वरना और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, इस तरह से ओके। तो इस टाइम पर जब आप बैक ग्रिप पर हो तो ये बन गया आपका फ्रंट ग्रिप पे आपको कहाँ प्रैक्टिस करना है। तो आप बार बार फ्रंट ग्रिप पर लेके इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बार बार आप फ्रंट ग्रिप पे ऐसे पकड़ लीजिए देन नीचे ऊपर नीचे ऊपर देन नीचे से जब ऊपर उठेगा ये, क्लियर, देखिए नीचे ऊपर ये, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो सेपरेटली। उसके बाद बैक ग्रिप पे पकड़ लीजिए देन बैक ग्रिप पे आपको क्या करना है, यहाँ पर भी सेम लेकिन उल्टा, मतलब ऊपर से जब नीचे जाएगा और सेम जब मतलब अंदर से जब बॉडी के बाहर की साइड में जाएगा उस दौरान, मतलब इस टाइम पर ओके। देखिए नीचे इस टाइम पर ये जो जब ये हाथ के अंदर ये हाथ के लेवल पर है और ये जब ये बाहर जाने वाला है उस टाइम पर हमको बैक ग्रिप से रिस्टोर कर लेना है इस तरह से, देन ये इस तरह से फ्रंट ग्रिप पर आ जाएगा। सो देखिए बैक ग्रिप से अगर इस तरह से भी आप स्पिन करते हो या फिर फिगर एट कीजिए, देखिए ये ऊपर हो रहा है नीचे आया, ऊपर नीचे रिस्टोर, ये फ्रंट ग्रिप पर आ गया, ठीक है। फिर से बैक ग्रिप पे पकड़िए नीचे ऊपर रिस्टोल इस तरह से, क्लियर, फिर से नीचे ऊपर नीचे आया रिस्टोल, ओके। तो इस तरह से आपको बैक ग्रिप से रोल प्रैक्टिस करना है या फिर मतलब बैक ग्रिप से फिगर एट में कैसे आपका रोल होगा। तो जब आप इन दोनों को आप अलग अलग से कर लेंगे और देखेंगे कि आपका हो रहा है देन आपको मिक्स करना है। मिक्स भी एकदम डायरेक्टली एक बार में नहीं करना है, आपको एक बार करके रिस्टोल करना है। उसके बाद नॉर्मल जिस ग्रिप पर आएगा उसी ग्रिप से आपको नॉर्मल स्पिन दो तीन बार करते रहना है, उसके बाद एक बार करके रोल। सो कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए अभी फ्रंट ग्रिप पर है, ये नीचे ऊपर अभी रिस्टोर करूँगा, ये बैक ग्रिप पे आ गया, इस तरह से नॉर्मल दो तीन बार स्पिन देन ये, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आप देखेंगे ध्यान से देखिए ये ऊपर अभी फ्रंट ग्रिप पर है, सो रिस्टोर अभी ऊपर से जब नीचे जाएगा ये, अभी यहाँ पर क्या होगा नीचे से जब ऊपर आएगा, नीचे से ऊपर आया रिस्टोल देन ये बैक ग्रिप से घूमेगा, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। जब ये आपका क्लियर हो जाएगा देन आप ट्राई कर सकते हो कि हर बार आपको रिस्टोल करने का, मतलब इस तरह से ओके।
इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बना आपका फिगर एट से आपको कैसे रिस्ट्रोल को ऐड करना है। तो आपको इसी इस चीज़ को आपको लेफ्ट हैंड से भी प्रैक्टिस करना है, और इस वीडियो में मैं लेफ्ट हैंड को कवर नहीं करूँगा, इसके लिए मैं इसी लेसन के नाम से दो नंबर यूज़ करूँगा, ठीक है। मतलब ये 29 है तो 20 नंबर ये 1 होगा, और 20 नंबर 2 में जो होगा वहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि रिवर्स फिगर स्पिन के साथ आपको रिस्ट्रोल को कैसे ऐड करना है। तो इस वीडियो से अगर आप सीख पाए हो कि फिगर एट स्पिन के साथ, हॉरिजॉन्टल फिगर एट स्पिन के साथ आपको रिस्ट्रोल को कैसे ऐड करना है, इन वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा देन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा मेरे अगले एक वीडियो के लेसन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।